दिस इज स्पैरो टाइम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मुल्क में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग सो फास्टली इन आवर कंट्री। फिर क्या करें, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ और स्कूल भी बंद हैं। फिर क्या करें, बाहर चलें। रेड जोन का मतलब है प्लेग्राउंड्स, मार्केट्स और प्लेरेंस। ये सब डेंजरस होते हैं, इनसे हमें वायरस लग सकता है। और आपको पता है हमारी कार्स ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन मींस कि जब हम कहीं फूड लेने जाते हैं, बैगर्स हमारी कार्स को टच करते हैं, जब हम वापस आते हैं डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, वही जर्म्स हमारे हैंड्स पर लगते हैं और फिर वायरस फैलता है। इसका मतलब हमें घर रहना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि किसी डिजीज से फाइट कर सके। शयान, आपको पता है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक वाटर लाइक दिस। इसका मतलब हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे ऑरेंज, गावा, स्ट्रॉबेरीज और बनानास। ऑरेंज और गावा में विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडीज को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। जंक फूड और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। हमें घर में रहकर और क्या करना चाहिए? हमें घर में रहकर एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करती है और एक्सरसाइज से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Our first exercise is jumping jacks. Let's get started. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Our next exercise is a high step march. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. The next exercise is up, up, down, down. Up, up, down, down. Up, up,
don't forget to like and subscribe my channel. Bye.